बहन होगी तेरी। अगर आप उत्तर भारत से हैं तो आप ये जानते होंगे कि ये एक टीजिंग स्लैंग है, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव और श्रुति हसन की नई फिल्म जिसका नाम है बहन होगी तेरी। साल 2013 में फिल्म रमैयावस्था से अपने करियर की शुरुआत करने वाली श्रुति आज बॉलीवुड में अपना एक अलग मकाम बना चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनका चंचल और चुलबुला अंदाज अब भी कायम है। नेशनल अवार्ड जीत चुके एक्टर राजकुमार राव के साथ ये श्रुति की पहली फिल्म है। दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में आज श्रुति हसन और फिल्म के प्रोड्यूसर अमूल विकास मोहन अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म से जुड़े अपने खट्टे मीठे पलों को मीडिया के साथ बांटा। फिल्म के प्रोड्यूसर अमूल विकास मोहन से जब फिल्म के नाम के बारे में पूछा गया तो देखिए कि उन्होंने क्या कहा। He's playing, मतलब राजकुमार's character in the film is of a guy who, जो जागरण मंडलियों में काम कर रहा है, जो श्रुति की फैमिली ओन करती है। तो और आप काफी लोगों को जानते होंगे और आप लोग नॉर्थ से हैं तो मतलब यहाँ पे तो बहुत पॉपुलर है जागरण मंडलीज एंड सो ऑन एंड सो फॉर, जो स्पेसिफिकली लाइक बॉम्बे में नहीं है इतना, मुंबई में इतना नहीं हो। तो उस हिसाब से सोचा था, वो पोस्टर का भी थॉट वही था कि जस्ट टू, और हम लोगों ने पहला गाना हमने नवरात्रों के बीच में छोड़ा था तो हमने उसी को एम्फिसाइज करने के लिए हमने एक टीजर पोस्टर छोड़ा था जिसपे कहा था कि ट्रेलर आउट सून। और कुछ सोच के या हमारे there are no intentions, I think, जब शूट भी कर रहे थे ये लोग, बिल्कुल नहीं। और इनफैक्ट जब हम शूट कर रहे थे तो राजकुमार की लुक आउट हो गई थी, मतलब सेट से किसी ने फोटो लीक कर दी थी उस टाइम पे भी, पर उस टाइम पे भी किसी ने कुछ कहा नहीं। तो दैट वाज मच बिफोर द पोस्टर आल्सो केम आउट, देयर वाज अ 5 month, बट इट्स ऑल गुड नाउ बिकॉज़ नोबडी ऑफ कोर्स मेंट टू ऑफेंड एनीबॉडी। लड़कों के लिए बहन होगी तेरी दोस्ती में मजाक का हिस्सा है, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि श्रुति खुद एक लड़की होने के नाते इसके बारे में क्या सोचती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्सेप्ट आई थिंक इज अल्टीमेटली द थिंग दैट ड्राइव्स मूवीज एंड द इंडस्ट्री फॉरवर्ड। देयर आर, यू नो व्हाट यू से, द कमर्शियल बिग फिल्म्स व्हिच आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। आई थिंक आज इंडस्ट्री में एक अच्छा बैलेंस आ गया है वेयर एवरीबडी कैन वॉच वॉट एवर यू नो देयर टेस्ट, एंड आई थिंक द इंडस्ट्री इज केटरिंग टू एवरीबडी, एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस मेंबर। I think this film is again a concept based film and everything has a purpose in the film, aur wo baat mujhe bahut achhi lagi, and as an actor wo responsibility badh jati hai ki hum acche tarike se ye character nibhaye। aapko bata dein ki film ke poster release ke sath ek controversy jud gayi thi। film ka poster release hone se pehle hi rajkumar rao ka look bahar aa gaya tha, lekin is sawal ka jawab bhi producer amul ne apne hi andaaz mein diya। kaise hai ye जी, एक्चुअली मुझे, मैंने जब हम लोगों ने टाइटल डिसाइड किया उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि दिल्ली में बहुत पॉपुलर स्लैंग है, जो हमें एक्चुअली पता नहीं था स्टार्ट में। तो ये हमारी पिक्चर के साथ बहुत अच्छी तरह से जाता है ये टाइटल, इसलिए हमने इस टाइटल पे जीरो इन किया था पहले। इनिशियली पहले इस पिक्चर का नाम कुछ और था, तो जब हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे तो उस हिसाब से डिस्कशन में हम लोगों ने बोला कि कुछ क्वर्की होना चाहिए, कुछ फ़नी होना चाहिए और रिकॉल वैल्यू बहुत इमिजिएट होनी चाहिए पिक्चर की, तो उसका नाम उस हिसाब से रखना चाहिए। तो दैट्स हाउ वी ज़ीरोड इन ऑन बहनों की तेरी। पर मुझे बाद, हमें बाद में, जेन्युइनली बाद में पता चला कि इट्स अ प्रॉपर स्लैंग इन दिल्ली। इसके अलावा पीसी में श्रुति और अमूल ने फिल्म के कॉन्सेप्ट पर भी बात की। एक्चुअली इट्स ऑल इन गुड इंटेंशन एंड गुड नेचर। एक ह्यूमरस तरीके से आप देखें तो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। जैसे गाइज ऑलवेज से, यू नो, mostly guys only say that, I don't think girls say this but so it's in a very humorous, a good positive way, aur jab aap picture dekhenge to it will really be very apt। jo actor ya actress film family se nahi hote un par aksar sawal uthte rehte hain। kamal hasan ki beti hone ki wajah se shruti bhi is daur se guzar chuki hain, to jab ye sawal fir se unke samne utha to dekhiye ki unhone kis tarah apne hi andaaz mein iska jawab diya। now when I see a lot of the youngsters jo, you know, who are starting, they're very well planned and they're very well organized and they have a goal and they have a strategy। mere sath aise kuch nahi tha, I just stumbled into the film industry। I mean it sounds funny because of my parents, but I was a musician and then when this film came out I said ha chalo theek hai karte, it was literally that simple। so I didn't understand the seriousness of it when I did my first film। it is only after seeing the first preview of my first film I'm like अरे यार काम पे आ गए हम, यू नो, इट्स रियली रियली बिग एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रियली ह्यूज, एंड आई फेल इन लव विथ सिनेमा, विथ एक्टिंग इन माई ओन परस्पेक्टिव, नॉट माई पेरेंट्स आइज।
So from there, the responsibility has driven me further. And I think the responsibility has made me the responsibility towards the people on the film. And suddenly that responsibility and sense of how much you owe the character's life, the honor that you get to play and tell the story of somebody else's life, has been one of the greatest things that's happened to me in my life. So I think that's how I've evolved. The responsibility as a person and as an actor has really risen within me. See, I'm very, very proud of being Kamal Haasan and Sarika's daughter. I'm very proud of my surname. But I can also very proudly say I've never ever used it to move ahead in my career. The only thing it did do is it opened the door. Because there's curiosity ki, haan, inki ladki, chalo, let's see. But after that, I can't, you know, push my way through those doors without my own work or my own name, which is Shruti. And I'm proud that, yes, there must be nepotism. I'm sure lots of people have accused me of it. But I can say with God as my witness that I've never used nepotism. In fact, I think that it's, you know, it's been a little, you know, harder than most people for me to find. Behen Hogi Teri 8 June ko release hogi. Ab dekhna ye hai ki Shruti aur Rajkumar ki jodi parde par kya kamal dikhati hai. लेकिन इस फिल्म के टाइटल के साथ बॉलीवुड के गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस तरह के टाइटल आने वाले दिनों में सेंसर बोर्ड को खटक सकते हैं और इस तरह के नाम रखने का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा।